हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आहा लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो और अपना ख्याल रख रहे हो। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बेहद सिंपल लेकिन इफ़ेक्टिव होम रेमेडी, सन टैनिंग अनइवन स्किन पैचेस, डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशंस को रिमूव करने के लिए। सनलाइट पोल्यूशन और गर्म हवाओं के कॉन्टेक्ट में ज़्यादा देर तक रहने से ये टैनिंग ज़िद्दी काली परत के रूप में हमारी स्किन को डार्क कर देती है, जो कि टेम्परेरी होती है और कुछ टाइम में ठीक भी होने लगती है। लेकिन अगर स्किन की सही देखभाल ना की जाए तो ये टैनिंग स्किन को डार्क और डल बना देती है। स्किन की बाहरी देखभाल के साथ स्किन को अंदर से भी स्वस्थ रखना बेहद ज़रूरी होता है। इसके लिए हाइड्रेटेड रहें, भरपूर पानी पीजिए, नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी पीते रहें और ज़्यादा चाय कॉफ़ी का सेवन ना करें। तो आइए अब चलते हैं हमारी आज की रेमेडी की तरफ। इस होम रेमेडी को बनाने के लिए सभी इंग्रेडिएंट्स आपकी किचन में ही मिल जाएंगे। बेहद आसान है इसे तैयार करना। आइए देखते हैं इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें क्या क्या लेना है। इसके लिए हमें चाहिए एक टमाटर स्मॉल साइज़ का, एक आलू स्मॉल साइज़ का, बेसन 2 बड़े चम्मच, दही 2 टेबलस्पून और शहद 1 चम्मच। सबसे पहले आलू को छीलकर धो लें, फिर टमाटर और आलू को पीसेस में कट कर लें। अब इन्हें एक साथ ग्राइंड करके पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट में से 2 से 3 बड़े चम्मच पेस्ट एक बाउल में निकाल लें और इसमें बेसन ऐड करें, फिर दही डालें और अब इसमें मिलाएं शहद। इसके बाद इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अच्छे से मिक्स होने से ये एक स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से ये पेस्ट बन गया है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना लिक्विड, और इसकी खुशबू भी बहुत ही अमेजिंग है और अप्लाई करने में भी बहुत आसान है। इस फेस पैक को आप अपने चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह से लगा लीजिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख जाता है, इसलिए हल्का सा ड्राई होते ही एक लेयर फिर से लगा लीजिए। 5-7 मिनट तक लगा रहने दें और जब सूख जाए तो पानी से टैपिंग करते हुए धीरे धीरे 2-3 मिनट तक स्क्रब करते हुए फेस वॉश कर लें। फेस वॉश के बाद लाइट सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं, जिससे कि इन इंग्रेडिएंट्स की नमी आपकी स्किन में लॉक हो जाए। आप इस पैक को अपने हाथों और पैरों पर भी लगा सकते हैं। इस रेमेडी को आप वीक में 3 बार यूज़ कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। इस रेमेडी को लगातार यूज़ करेंगे तो सन टैनिंग की वजह से स्किन पे जो भी डैमेज हुआ है वो रिपेयर हो जाएगा और स्किन की डलनेस, ड्राइनेस और डार्कनेस दूर हो जाएगी और स्किन क्लीन, शाइनी, ब्राइट और फेयर हो जाएगी। क्योंकि टमाटर और आलू में नेचुरल क्लींजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि स्किन टोन को लाइट करने में बेहद इफ़ेक्टिव होते हैं। और बेसन माइल्ड स्क्रबिंग का काम करता है और स्किन से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करके इसे फ्रेश और यंग बनाता है। और दही और शहद से हमारी स्किन नेचुरली और डीपली डीटैन होती है और डीपली मॉइस्चराइज भी होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये रेमेडी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करें और सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे इस चैनल आहा लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।